नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं भारत जोड़ो यात्रा की सबसे यंगेस्ट यात्री वैष्णवी। पूरा नाम आपका? वैष्णवी गुरुदत्त भारद्वाज। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या था, कैसे आप इस यात्रा में शामिल हुई और अब तक आपको क्या बदलाव महसूस हुआ खुद में, प्रोफेशनली पर्सनली, जो भी आप बताना चाहें? सिलेक्शन का तो ऐसा था कि जैसे हम NSUA में वर्क करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बनके, तो हमें एक बोला गया था कि जिसे भी यात्री बनके चलना है तो आप आ सकते हैं, तो मैंने अपना नाम दे दिया और मैं यात्री बन गई। और रही एक्सपीरियंस की बात, तो एक्सपीरियंस सीरियसली 23 साल की उम्र में, अगर से आपको जब देश समझने की और देश की समस्याओं को और देश की संस्कृति को समझने की एक मौका मिल रहा है, तो मेरे से, मुझे ऐसा लगता है मेरे से बड़ी सौभाग्यशाली लड़की कोई नहीं होंगी इस दुनिया में अभी। तो आपके, आपने इतनी यात्रा की है, क्या चेंजेस आपको खुद में नज़र आए या आपको क्या पता चला कि भाई इतने स्टेट में आपने ट्रेवल किया है, लोगों से मिले, तो लोगों की क्या बातें आपको समझ में, क्या लगा कि इन चीज़ों को बदला? मैंने कुछ कुछ जैसे स्टेट्स देखे हैं कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दुखी, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे सच में आज भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा इशूज़ है। तो बहुत सारे कुछ कुछ मीन्स बोल दो, अधिकतर जितने भी हमने देखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग, हमने देखा है वहाँ पे। जब हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक नॉर्मली एक लड़का झंडा लेकर चल रहा था, फ्लैग लेकर चल रहा था, मतलब अपना नेशनल फ्लैग लेकर चल रहा था, और वो टाइम पे वो बोल रहा है, दीदी आप कहाँ से हो, क्या हो, हमसे बातचीत किया, वो टाइम पे बोल रहा है, दीदी मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत असहाय हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसने अपने बारे में बताई। तो हमें वो टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि यार सीरियसली हमने यात्रा ज्वाइन करके जो एक लास्ट, मतलब एक, मतलब जो डिसीजन लिया वो बहुत सही था और ज़रूरी था वो डिसीजन लेना, जस्ट बिकॉज आज देश की जो हालातें हैं उसको देखते हुए। अच्छा, आपकी फिटनेस में कुछ चेंजेस आए? मतलब मैं बहुत स्लिम हो गई हूँ अभी, बहुत स्लिम हो गई हूँ, और एक आदत हो गई है, मॉर्निंग 5 बजे ब्रेकफास्ट करने का है, फिर लंच करने का है, फिर डिनर, एक टाइम बन गया है सब चीज़ का, पहले तो नहीं था, पहले नॉर्मली अपना 12-1 बजे ब्रेकफास्ट करो टाइप का वाला था, बट अभी ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम हो गया है और फिज़िकली तो बहुत स्लिम हो गई हूँ। अच्छा, जब ये सुबह से शाम आपने बताया, पूरा स्केड्यूल बता दिया, तो फिर सोने का क्या वक्त होता है, कैसे, मतलब आप इन चीज़, नींद भी बहुत ज़रूरी है? नींद हम लोगों का अभी सिर्फ 5 घंटे का होता है, 10 से 4 बजे तक का हम नींद लेते हैं रात को, और दिन में जब हम देखते हैं ना, के लिए लागू आप पर भी, राहुल जी भी सो जाते हैं और दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल जी, हम लोग जितने भी लोग यात्री, मतलब देशभक्ति गीत गाएंगे या फिर कुछ ना कुछ गेम्स खेलेंगे या गोष्ठी करते हैं, एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं या एक्सपीरियंस पूछते हैं रोज़ का, तो ये सब हम आफ्टरनून में करते हैं, आफ्टरनून की नींद अब गायब हो गई है। इतने लोगों से मिलने के बाद उनका क्या कहना है, कि कुछ लगता है कि ये जो इतने लोग शामिल हुए आपकी यात्रा में हर स्टेट, कुछ परिवर्तन आएगा जब आप एंडिंग में पहुंचेंगे? परिवर्तन एक्चुअली अभी आना चालू हो गया है, आप खुद देख सकते हैं पीछे वाले स्टेट्स जाके, कि हमारे पीछे जो जनसैलाब पीछे से अब तक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना के भी बहुत लोग बहुत अभी तक है, केरला के जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के, आप भी देख सकते हैं अभी बाहर जाके कि बहुत सारे लोग अभी भी इंटर स्टेट यात्री बन के हमारे साथ चल रहे हैं कंटिन्यूसली, जो अननोन पर्सन थे जिनको पार्टी से या यात्रा से कुछ पता नहीं था, पार्टी के बारे में कुछ नहीं, वो भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं आज। चलिए, आखिरी सवाल ये कि आप 23 साल की उम्र में इस यात्रा में शामिल हुई हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पढ़ाई का भी एक, ये शायद एजुकेशन हो चुका है मेरा, मास कम्युनिकेशन हो गया है, यस, पढ़ाई का कुछ बचा नहीं? नहीं, अभी मेरे को मेरा एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने की इच्छा है, तो मैं अभी एडमिशन हो चुका है, करूँगी अभी, जैसे यात्रा से गए तो करना ही है, एजुकेशन तो मैं खुद नहीं छोड़ सकती। इस यात्रा के बाद में राजनीति में आने का भी सोचा है? मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, विद्यार्थी कांग्रेस का एक हिस्सा हूँ, राष्ट्रीय मतलब संयोजक हूँ।